नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको स्टैंडिंग योगा पोजेज, उत्थित हस्त पाद अंगुष्ठ आसन को करने का तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों यह अभ्यास स्टूडेंट और यंगस्टर के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारा शारीरिक संतुलन सुधरता है। जिन लोगों को अक्सर पैरों में कंपन की शिकायत होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। इस अभ्यास को करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की चंचलता दूर होती है और मन एकाग्र होता है। दोस्तों बहुत से लोगों को फ्लैट फिट की समस्या होती है, अगर वह इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में 5 से 10 मिनट शामिल करते हैं तो यह अभ्यास फ्लैट फिट की समस्या को भी दूर करता है। आइए देखते हैं कि उत्थित हस्तपाद अंगुष्ठ आसन को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों उत्थपाद अंगुष्ठ आसन शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला अभ्यास है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासना। सबसे पहले आप अपने एक पैर पर आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए, तभी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकेंगे। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकेंड ऐसे ही वृक्षासन की पोजिशन पर रहते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने छाती के मध्य में रख लें। और फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को राइट हाइज के पास ऐसे सटा लेते हैं और अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास हटा लेते हैं और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें। अपने शरीर का समस्त भार अपने आपके पैर पर रखना है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद उत्थित हस्त पाद अंगुष्ठ आसन को करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की दो उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। अपने हाथ को ऐसे अपने थाइस के पास रख रहे हैं या अपने हाथ को ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ खींचे और ऐसे बिल्कुल अपने पैर को सबसे पहले ऐसे सीधे लाइए, पहले सीधे देखिए, फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने राइट साइड घुमाते हैं। यह अभ्यास हमारे शारीरिक संतुलन को सुधारता है। जिन लोगों को हाथ पैरों में कंपन की शिकायत होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। सीधे आइए या फिर अपने पैर को जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं ऐसे, और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ से ऐसे अपने हाथ की दो उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करें, ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा लें और फिर धीरे धीरे ऐसे किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। और फिर अपने पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऐसे आप आगे पीछे करते हुए इस अभ्यास को कीजिए। ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखें और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाइए और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने हाथ की दो उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो
और ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा लेते हैं। और फिर धीरे धीरे सीधे सीधे। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को फ्लैट फीट की समस्या होती है इस अभ्यास को करने से ही दूर होती है। दोस्तों बच्चों में, स्टूडेंट्स में, यंगस्टर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वह इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकें।